हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। इससे पहले अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, L&T फाइनेंस एक प्रकार की फाइनेंशियल कंपनी है तथा फ्रेंड्स देखिए, ये इसका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड फाइनेंस है तथा ये एक मिड कैप शेयर है तथा इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 21,143 करोड़ का है तथा इसकी जो निफ्टी में इसकी रैंक है, मतलब एनएससी में इसकी रैंक है वो 206 अंक हैं और इसमें मतलब रिस्क भी बहुत कम है। फ्रेंड्स देखिए, यह इसका एक साल का जो चार्ट है, एक साल में इसने फ्रेंड्स 44 पॉइंट, देखिए फ्रेंड्स एक साल में इसने 44.53% का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। और आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम तथा इसने 52 वीक लो 51.71 का बनाया है तथा 52 वीक हाई इसने फ्रेंड्स 113.40 का बनाया है। तो फ्रेंड्स स्टॉक ने एक साल में 44.53% का रिटर्न दिया है। और अब हम फ्रेंड्स इसके पी रेशो के बारे में बात कर लें। फ्रेंड्स कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है तथा इसका फाइनेंशियल भी बहुत तगड़ा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसके पी के बारे में बात कर लें। इसका पी रेशो 21.78 है तथा सेक्टर का पी रेशो 27.92 है। यानी फ्रेंड्स सेक्टर के पी रेशो से भी यह शेयर सस्ता मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी यह सस्ते दामों पर उपलब्ध है, आप इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो तथा इसका पी बी रेशो 1.11 है तथा सेक्टर पी बी इसका 2.36 है। सेक्टर पी बी रेशो भी इसका बहुत कम है, सेक्टर पी बी रेशो से भी इसका पी बी रेशो कम है। यह कोई डिविडेंड नहीं देता है फ्रेंड्स, कभी कभी दे देता है, बाकी नहीं देता है तथा जो सेक्टर डिविडेंड यील्ड है वो 0.54% है। अब हम फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इसकी फायर फोकास्टिंग रेटिंग के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स स्वतंत्र 77% इन्वेस्टरों ने फ्रेंड्स इसमें मतलब जो रेटिंग कंपनियां इन्वेस्टमेंट के जो लिए जो रेटिंग देती है ना, वो कंपनियों ने 77% ने इनमें बाई की रेटिंग दी है। अब हम आगे और बात करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कंपनी हम बारे में थोड़ा जान लें। हम L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। यह एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यानी यह एक होल्डिंग कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कर दिए हैं तथा इसकी ब्रांड्स है L&T फाइनेंस। फ्रेंड्स हम आगे और बात करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी पीयर्स कंपनियां, देखिए फ्रेंड्स पिरामिल इंटरप्राइजेज ने फ्रेंड्स एक साल में 91.31% का रिटर्न दिया है तथा आदित्य बिरला कैपिटल इसने भी फ्रेंड्स बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। एक साल में इसने भी फ्रेंड्स 55.29% का रिटर्न दिया है। अब हम आगे और बात करते हैं फ्रेंड्स। कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड इसने भी फ्रेंड्स एक साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है तथा यह अभी लिस्ट हुई थी इसलिए इसका एक साल का रिटर्न नहीं दिखाया जा रहा है। तथा फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स कोरोमंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड इसने भी फ्रेंड्स एक साल में 5.79% का रिटर्न दिया है। और फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स मोतीलाल ओसवाल इसने भी बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, एक साल में 26.19% का रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स कंपनी पेयर्स कंपनियां भी अच्छी हैं और सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर हैं। अब हम फ्रेंड्स इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात कर लें। देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनेंशियल ट्रेंड, कंपनी ने 2018 में 10,270 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया था और 2019 में इस कंपनी ने 13,370 करोड़ का तथा 2020 में इसने 14,480 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया और कंपनी ने 2021 में 14,331 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया। फ्रेंड्स यह 1,000 करोड़ में, इसलिए मैं 1,000 में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स इसका रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ पाया जा रहा है। 2021 में भले इसका रेवेन्यू थोड़ा घटा है, वो भी कोरोना महामारी के कारण घटा है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही तेजी से गिरावट हुई थी उस समय, इसीलिए इसका रेवेन्यू थोड़ा घटा है। और फ्रेंड्स अब हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात कर लें। फ्रेंड्स
देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रॉफिट 2018 में इसका प्रॉफिट था 1250 करोड़, और 2018 में 2019 में इसका प्रॉफिट हो गया 2230 करोड़, और 2020 में इसका प्रॉफिट वापस घटकर 1700 करोड़ ही रह गया, और 2021 में इसका प्रॉफिट में बहुत ही तगड़ी गिरावट देखी गई और यह प्रॉफिट 900 करोड़ ही रह गया। तो फ्रेंड्स मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो दो साल तक तो लगातार बढ़ा और दो साल वापस गिरने लग गया, वो कोरोना की वजह से और फाइनेंशियल सेक्टर में मंदी की वजह से ये सब कुछ देखा गया है। फ्रेंड्स कंपनी अच्छी है और इसका फाइनेंशियल भी अच्छा है और L&T ग्रुप की कंपनी है, तो फ्रेंड्स आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अभी सस्ते दामों पर उपलब्ध है, इसीलिए मैं इसमें बाइंग करने के बारे में आपको बता रहा हूँ।